एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कारवा व एहसास का भव्य आयोजन। एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कारवा बाय एहसास का आयोजन 31 जुलाई 2022 को दिल्ली के लाजपत भवन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य प्रकृति रक्षा और प्लास्टिक मुक्त भारत के प्रति लोगों को जागरूक करना था। टीम एहसास का मुख्य उद्देश्य स्पेशल किट्स, स्लम किट्स, दिव्यांग और सामान्य बच्चों को एक साथ एक ही मंच पर लाना है। एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले कई सालों से इस तरह के कार्यक्रम करवाते आ रहे हैं। इस प्रोग्राम में बच्चे रैंप वॉक, डांस और पेंटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रोग्राम में अवार्ड भी रखे जाते हैं, जो भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है। इस साल इस कार्यक्रम में कई सारे थीम थे, वॉक फॉर एनवायरमेंट, ग्लिम्स ऑफ तत्वदा एलिमेंट्स वाई आदित्य सिंह एंड टीम, डांस ट्रिब्यूट टू आर्टियर वाइफ वाई वान्या सिंह एंड टीम, स्पेशल एंड एक्सीलेंट प्रोग्राम वाई वी केयर फाउंडेशन किट्स, रैंप वॉक, डांस परफॉर्मेंस, नुक्कड़ नाटक, डांस टैलेंट हंट वाई एहसास एंड वी केयर किट्स वॉक। इस प्रोग्राम में एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट के बच्चे शूट बाजार और वे केयर फाउंडेशन के बच्चों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। यहाँ सेव एनवायरमेंट थीम पर पेंटिंग कंपटीशन भी रखा गया, जिसमें वी केयर और एहसास एक पाठशाला मंगोलपुरी के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस कंपटीशन की जज थी आरती मेहता जी, लेखा शुवरबाल जी, किड्स फैशन शो के जज रहे बुजय फैशन स्टूडियो के ओनर अजय सिन्हा और बुजी रहे और डांस टैलेंट हंट के जज रहे अमृत कौर जी और कमल गौतम जी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही रेणु हुसैन जी और रजनी सुब्बा जी। विशिष्ट अतिथि रहे सुरेंद्र शर्मा जी, राजेंद्र खटाना जी। मैं रेणु हुसैन आज यहाँ एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रोग्राम कारवा में मैंने आज भाग लिया, तो यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत खुश हूँ मैं कि एक तो ये कि ये इन बच्चों के लिए जो कार्य हो रहा है, हैंडीकैप्ड ऑर्फन बच्चे जो ये ट्रस्ट आगे चला रही है उनके लिए कार्य कर रही है, उनका ये एनुअल डे मान के चल रही हूँ मैं कि एनुअल डे था। और इसके पीछे सबसे अच्छी बात है कि एक थीम थी कि भारत को या पृथ्वी को हरियाली की तरफ ले जाना है, धरती को पॉल्यूशन से और पॉलीथीन से बचाना है, ये सारी थीम थी। बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम रहे, हर बच्चे ने इसमें प्रस्तुति की और स्किट अच्छा था। अपने सैनिकों के लिए, सैनिकों की जो परिवार हो जाते हैं मार्टियर्स के लिए, उनके लिए जो प्रस्तुति थी वो बहुत अच्छी थी। आज जो एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट ने कार्यक्रम रखा है वो वाकई सराहनीय काबिल है। इसमें क्या है, कई प्रकार के कार्यक्रम इन्होंने ज्वाइन किए, जैसे पर्यावरण है, प्रकृति है, देशभक्ति है और कला। कला हमारा एक सांस्कृतिक धरोहर है, उसको सजे कर रखना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। Hi, I'm Rajni Subba, founder of India Exquisite Pageant Organization, and today it's been a privilege and an honor to be here for the EHSAS event, and we have been associated with them from past 6-7 years, and they have been doing wonderful, you know, initiatives and totally, you know, events that are related to compassion, that are related to being empathetic, and also this time they have focused on environmental, and it was such a delight to see the children present themselves in such a manner that it was an eye opener for a lot of us how we can also utilize the things that are discarded in household. So now from Bhujia Fashion Studio, आज हम लोग एहसास के तत्व एलिमेंट अवार्ड फंक्शन में आए हुए हैं, जो इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। स्लम के बच्चों के साथ उनको दिखाना, इस तरह इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताना, इनका कॉज हमेशा बहुत अच्छा होता है। सो इट्स रियली वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव। सो वी आर गिविंग हिम द हार्टिएस्ट थैंक्स, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस एंड एवरीथिंग। थैंक यू। हेलो, मैं बूजी फ्रॉम बूजे फैशन स्टूडियो, और आज मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट हूँ, और मैं एज ए जज जजिंग कर रहा हूँ मैं बच्चों को। और इन्होंने जो स्लम के बच्चों के साथ जो आज इन्होंने जो दिखाए इन्वायरमेंट के ऊपर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभावशाली इन्होंने ये एक एक्ट इन्होंने किया है और दिखाया है, जिससे कि हमारे स्लम के बच्चों के लिए बहुत बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म भी है,
जो कि इनका भविष्य इसके इससे आगे बहुत उज्जवल होगा। और मैं ओपी राज पुरोहित, असिस्टेंट डायरेक्टर दूरदर्शन और चीफ पैटर्न एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट। आज के इवेंट में आप आए थे, कितना अच्छा इवेंट है और क्या क्या इसमें देखा? देखिए, इवेंट तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट जब भी काम करता है, जब भी कोई प्रोग्राम करता है, तो बहुत अच्छे लेवल पे करता है और उन लोगों के लिए करता है जिनके लिए लोग नहीं करते। जैसे दिव्यांग लोगों के लिए कार्यक्रम होता है, स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनको मंच उपलब्ध करवाता है, उनको प्रोत्साहित करता है, उनको अवार्ड दे के सम्मानित करता है और उनकी परफॉर्मेंस जो है, उनके जो कला है उसको निखारने का काम करता है। इसके अलावा जो एक और एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट का एक और कार्य है, जो वो ये है कि जो लोग पेरेंट्स हैं या जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे या तो हैं नहीं या उनको साथ नहीं रखते या फिर जैसे विदेशों में रह रहे हैं, तो उन लोगों को अगर किसी भी तरह की कभी भी कोई इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट उनको मतलब एड दिलाता है, फर्स्ट एड दिलाता है और उनके जो भी होता है सेवा करता है उनके लिए। नमस्ते, मेरा नाम है जर्विन कॉन्सिप एंड आई एम फ्रॉम मेघालय शिलोंग एंड आई एम मिस इंडिया एक्सक्विजिट 2022 एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी हियर एट एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड आई विल बी परफॉर्मिंग इंटरनेशनल इन द मंथ ऑफ नवंबर एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इन अफ्रीका, सो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, थैंक यू सो मच। Hi everyone, I am Susang Sherpa, your Miss India Exquisite 2022 Queen for a Cause, and I'll also be representing India internationally soon. It feels great to be present here at this event organized by Ehsaas Foundation, as it is for a good cause, and I feel great to be able to walk for this. हाँ जी, मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादू प्रोग्राम करता हूँ। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 23,000 शो सिर्फ चैरिटी के लिए किए, अच्छे काज के लिए। उसी के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ, मैं जिस प्रोग्राम में आज आया हूँ, एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट जो है कारवां प्रोग्राम का, ये भी बहुत बड़ा एक चैरिटेबल कार्य करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को उभारना, घूमे फिरे बच्चों के स्कूल के लिए काफ़ी कार्यक्रम इन्होंने दिए, और ये भी एक चैरिटेबल कार्य बहुत ही अच्छे अपने लेवल पर कर रहे हैं। तो मैं इनके सभी पदाधिकारी सदस्यगण सभी को साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुंजन है, मैं चंडीगढ़ रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं फेंसिंग की प्लेयर हूँ। फेंसिंग मेनली किसी को नहीं पता, तलवारबाजी गेम होती है जो इंडिया में अब जाके इमर्ज होनी शुरू हुई है। मैंने फेंसिंग में 16 ईयर से भी ऊपर हो गया खेलते हुए, मेरे नेशनल में 10 से ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज भी है। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ी गर्ल्स जो है इसमें ज़्यादा इंटरेक्ट होए, क्योंकि गेम्स जो है वो इतनी ज़्यादा गर्ल्स कर नहीं पाती है, क्योंकि कहीं पर सोशल प्रेशर होता है, कहीं पर किस चीज़ का, हाँ गर्ल्स को दबाया जाता है। तो मैं चाहती हूँ गर्ल्स थोड़ी ऊपर आए और स्पोर्ट्स में ऊपर आए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात होगी अगर गर्ल्स ऊपर आएंगी। और आज मैं इस इवेंट में आई हूँ एहसास, ये बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है इस चीज़ के लिए। ये मैंने देखा इधर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जा रहा है हर चीज़ के लिए, गर्ल्स बॉयज़ चाहे किसी के लिए भी, इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अच्छे हैं। और इन्होंने आज मुझे इधर बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।